शॉट लिया जाता है फिर कुछ होता है। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता भैया? आपको पता है? अरे आपको पता है कुछ? हाँ मुझे भी पता है। एनु को पता है क्या है? मुझे आइडिया है। क्यों कटा ये आप वीडियो एंड तक देखोगे और 2 लाख लाइक करोगे तो आपको पता चलेगा। अबे ढैचू घूर किसे राय बे, पहलवान साथ लाई हूँ। अरे वाह मेरी खाज खुजली। और वैसे भी चल भी तो ऐसी रही थी जैसे वो बुलडॉग वाले कुत्ते नहीं चलते। उड़ा लो रिंग वॉर्म्स का मजाक। ये रिंग वॉर्म्स ना यहाँ पे भी हो गए, ब्रा की स्ट्रैप्स के चक्कर में भी हो गए, थाइज में भी हो गए, और बाकी तो खुद समझ जा। अरे तुम लोग कपूर की गोली को कोकोनट ऑयल में क्यों नहीं मिलाते? इससे सारा इन्फेक्शन चला जाएगा, क्योंकि रिंगवॉर्म्स फंगल इन्फेक्शन से ही होते हैं। और हाँ, ऐसे में टाइट और गीले कपड़े अवॉइड कर। अरे डार्लिंग क्यों टेंशन ले रही हो, लग जाएगी तुम्हारी जॉब। और वैसे भी तुम्हारी मॉडलिंग असाइनमेंट का क्या हुआ? यार उसका तो पूछो मत, पर एक दूसरी जॉब है जो लगने वाली है, उसी के कॉल का वेट कर रही हूँ। हेलो, आपने मॉडलिंग का वो किया था, आपके अंडर आर्म्स बड़े ही काले थे, तो हमें क्रीम के लिए उसका एंडोर्समेंट करवाना था। काले अंडर आर्म्स से तो क्या कुछ भी बोलेगा क्या? रॉक तेरी। हेलो, काले अंडर आर्म्स का ऐड करेंगे क्या? रॉक दी काले अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स। हाँ तो वेट टिश्यू से पोंछ लेती होगी अंडर आर्म्स, तो बैक्टीरिया थोड़ा ना मरेंगे उससे। अंडर आर्म्स पे सैनिटाइजर लगा के वेट टिश्यू से पोंछ ले पहले उसे, उसके बाद कोई भी ओवरनाइट पैक या क्रीम उस पे लगा और हो गई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। हेलो, हाँ जी अंकु जी। डार्लिंग मुझे दो फोन। अरे ए, अबे डार्क अंडर आर्म्स है, दोबारा फोन मत लगाना। तेरी सुनिए तो भाई, सुनिए। अबे तू रात फोन रात। अरे आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए कॉल लगाया था जो आपने इंटरव्यू दिया था, आपकी जॉब लग गई। जॉब लग गई मेरी? थी थी दोबारा आया तो बाहर के सारे दांत अंदर कर दूंगा, गाली देते हैं मुझे। एक तो ये काले अंडरआर्म्स, ऊपर से ये नख वाला नकली पति, जिंदगी खराब हो गई मेरी तो। अभी तक तैयार भी नहीं हुई, ब्लश तक नहीं लगाया तूने, ब्लश टिकता ही नहीं है, और अभी कहां से लाऊं? लग गया ब्लश। ब्लश लगाए की इच्छा पूरी करी है अपनी। चल एक तो मदद करो, ऊपर से बातें सुनो लोगों की। चल से ब्लश कम लगाओ तो दिखता ही नहीं है, ज्यादा लगाओ तो बंदर के बम जैसे दिखते हैं। जब ताजा ताजा फाउंडेशन लगाती है उसी गीले स्पॉन्ज में ब्लश ले लिया कर। अब जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव करके गीले फाउंडेशन के साथ इसको लगाएगी ना, तो ये अच्छे से फाउंडेशन के साथ चिपक जाएगा। और स्पॉन्ज के ब्लैंक साइड से एजेस को रिमूव कर लो। ये ले सूख गया, अब इसके ऊपर जब कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएगी ना तो ब्लश एकदम फ्लॉलेस लगेगा। देखा ना, मेरे पे कम दिख रहा है ना ज्यादा। ए छोटी, ये ले मेरी शर्ट और अच्छे से प्रेस कर देना, वरना तुझे पता है मारूंगी कम और घसीटूंगी ज्यादा। और हाँ, एक एक सल हट जानी चाहिए। छोटी बहन नहीं होती ना तो इसकी टांग तोड़ देती। पहले इनकी चाय बनाओ, फिर प्रोजेक्ट करो, और अब ये प्रेस भी करो। क्या बोली? किसी कर रही ना प्रेस कर रही हूँ अभी। ये रिंकल्स तो जा ही नहीं रहे हैं। जल्दी दे। जा अब होगी तेरी अच्छी बेइज्जती। पर आप टेंशन मत लो, स्टीम प्रेस का एक जुगाड़ है। कपड़े पे हल्के हल्के पानी के छींटे मारो और उसे इस तरह से गुड़ी गुड़ी कर दो तो पानी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अब खड़े होकर आयरन दबाकर प्रेस करोगे ना तो एक भी सल नहीं पड़ेगा। तो पागल हो गई है।
यार मेरा तो ये रोज का ही काम है, मेरे तो मच्छर ही इतने। अब कोई सी कॉइल चलाओ तो दादाजी परेशान, स्प्रे लगाओ तो दादी को एलर्जी, तो क्या कुछ नहीं गाओ कब वाली सिट्रोनेला एसेंशियल ऑयल सुना है? मच्छर मारने के प्रोडक्ट्स में ये कॉमन होता है। तो एक स्प्रे बॉटल में पानी डाल, 2 से 3 बूंदे मिलाओ सिट्रोनेला एसेंशियल ऑयल के, तो पूरे घर में या कंधे पे या छोटा बेबी हो उसके आसपास भी ये छिड़क सकते हो। केमिकल से मिलके रिएक्ट करता होगा तो प्रॉब्लम होती होगी, पर ऐसे यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो चले गए ना सारे मच्छर, भाग तो रहे हैं सब। पैकेजिंग आई थी वो रैपर तो तुमने फेंक दिए, वही रैपर तो मैं इसमें लगा देती हूँ और जब भी ट्रैवल करती हूँ ऐसे ही अपने सैंडल्स को रख लेती हूँ, और हमेशा मुझे मेरे सैंडल्स फ्रेश ही मिलते हैं, देख तो रही है ना तू। उफ ये बारिश, अंकु इधर आना। नहीं बैठ सकती ना। आजा बैठ जाना, आजा। अरे नहीं बैठ सकती यार। अरे बैठ जाना, आजा। अरे मैं कह रही हूँ ना मैं नहीं बैठ सकती, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। अब खुश, सबने सुन लिया। पैट इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि सब जगह तो मॉइस्चर होता है बारिश में, फिर कॉटन पैंट ही एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर पैट तक पानी पहुंच जाता है। अरे पीरियड्स में पानी से क्या डरना, मैं पता है क्या करती हूँ, स्विमिंग सूट वाली पैंटी पहन लेती हूँ और वो जॉकी के शॉर्ट्स आते हैं ना उसके ऊपर वो पहन लेती हूँ, तो बारिश के मौसम में पानी लगने की टेंशन ही नहीं रहेगी। और अगर रैशेस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कैंडिड पाउडर लगाया कर। ये तूने सही बोला, 5 दिन तक तो पहन ही सकते हैं, उसके बाद तो अपनी कॉटन पैंटी है ही बढ़िया। तो नीचे जो केक कटा था वो इसलिए खास रीजन से कटा था कि वो रीजन केवल इस लड़की के अलावा कोई नहीं बता सकता। पहलवान बता। वो मेरा फेयरवेल केक था, तो अब मेरा समय आ गया कि मैं अनायसा और इन सबको छोड़ के जा रही हूँ। हर किसी की लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ होता है, पर्सनल रीजंस होते हैं, इंसान मूव ऑन करता है, तो मेरा भी वही समय आ गया आप ये समझ लो। अब यही कहूँगी कि आई लव यू ऑल और हमेशा अपना प्यार बनाए रखना।